नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो, जैसे जैसे ग्रुप डी की परीक्षाएं आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें नए नए सरप्राइज देखने को मिलना है। अब आजकल जो क्वेश्चन आने है, कल मुझे भेजा था क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि बताइए इनहेल के दौरान, सांस अंदर लेने के दौरान आपके फेफड़े बताइए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि एक्सपेंड होते हैं। आपके फेफड़े के साथ पूछा गया था कि बताइए आपका जो रिब स्टेज है हरा, वो बताइए एक्सपेंड होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोगों को 5 मिनट में रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लेना चाहिए, फिर मैं आपको ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना बताता हूं। तो आप लोग अपने सामने देखिए, तो सामने मैंने देखिए आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हिंदी में बोला जाए तो श्वसन तंत्र को बनाते दिखाया हुआ है। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये श्वसन तंत्र में कहां कहां से कौन कौन सी हमारी एयर अंदर आएगी और इनहेल कैसा होगा, एक्सहेल कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, तब ऐसे क्वेश्चन आप जीवन में कभी गलत नहीं कर पाओगे। देखो, तो ये मैंने आपको श्वसन तंत्र बनाते दिखाया है। श्वसन तंत्र में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आपकी हवा है अंदर आती है, अंदर आने वाली हवा को हम लोग बोलते हैं इनहेल। तो इनहेल करने का मतलब होता है सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना। तो मैं अंदर लेने से ही समझा रहा हूं। तो मान लीजिए आपके पास जो भी हेयर है वो नॉस्ट्रल मतलब नाक की सहायता से अंदर आ रही है। तो जब बच्चा एयर अंदर आती है तो नॉस्ट्रल की सहायता से इस तरीके से फिर विंड पाइप से होते हुए ऐसे अंदर आती है ना। तो सबसे पहले नॉस्ट्रल के बाद डायरेक्ट आपकी एयर पहुंचती है फेरेनेक्स में। फेरेनेक्स कह सकते हो कि जो हमारा विंड पाइप है इसके ऊपर पाया जाता है फेरेनेक्स। फेरेनेक्स से नीचे होता है लैरेनेक्स, ये रहा तुम्हारा लैरेनेक्स है ना। और लैरेनेक्स को ही डायरेक्ट साउंड बॉक्स भी कहते हैं। कई बार आता है क्वेश्चन कि फेरेनेक्स कहां होता है, तो कह देना ऊपर होता है, लैरेनेक्स नीचे होता है। डायग्राम वाले सवाल भी बनते हैं इस पे। तो फेरेनेक्स ऊपर, लैरेनेक्स नीचे, और लैरेनेक्स को ही डायरेक्ट बोला जाता है आपका साउंड बॉक्स। इसी को बोला जाता है बच्चा डायरेक्ट साउंड बॉक्स। ओके, अब देखो साउंड बॉक्स के नीचे क्या है। सर ये फेरेनेक्स हो गया, उसके नीचे लैरेनेक्स या साउंड बॉक्स, इसके नीचे आता है ट्रेटिया। ये देखिए ट्रेटिया, आप इसको विंड पाइप भी कहते हो। कई बार ट्रेटिया की लंबाई पूछी जाती है, तो याद रखना ट्रेटिया की लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर, ये ट्रेटिया है। अच्छा, ट्रेटिया की लंबाई के बाद आप गौर से देखिए, यहां से दो ब्रांच आगे निकल रही, ये जो दो ब्रांच आगे निकल रही इनको बोलते हैं ब्रोंकी। अब सिंगल वचन और बहुवचन का काम आएगा। तो ये जो मोटी मोटी ब्रांच है, ये मोटी मोटी ब्रांच, पहले हवा ऐसे अंदर आएगी, फिर इन ब्रांचों से देखिए अंदर जाएगी, इन ब्रांचों को बोला जाता है ब्रोंकी। लेकिन यही ब्रांच आगे चलते ढेर सारी छोटी छोटी और ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाती है, ढेर सारी और छोटी छोटी ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बहुवचन बन जाती है। तो इसको बोला जाता है फिर ब्रोंकोएल्स। ये देखिए लिखा है ब्रोंकी ऑयल्स। तो एक ब्रांच होगी तो ब्रोंकी, जब कई सारी ब्रांच हो जाएगी तो ब्रोंकी ऑयल्स। फिर इसके बाद इसके लास्ट में, इसके एंड में अगर आप गौर से देखिए, तो इसके एंड पे ढेर सारे छोटे छोटे वायु कोष्ठ लगे होते हैं, ढेर सारे वायु कोष्ठ लगे होते हैं, और यही वायु कोष्ठ में हमारी ऑक्सीजन जाती है और CO2 के साथ रिप्लेसमेंट करती है। मतलब आपके ब्लड में जो CO2 है ना, CO2 खींच ली जाती है इनके द्वारा और ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई की जाती है। ओके, अब अगर एक वायु कोष्ठ है, सिंगल वायु कोष्ठ है, तो उसको बोला जाएगा एलोवेरी सिंगल। अब बहुवचन में है मतलब ढेर सारी है, तो कह सकते हो एलिवेरियस। ओके, फिर इसके नीचे सबसे नीचे देखिए बना हुआ है डायफ्राम। डायफ्राम आपके फेफड़ों को सपोर्ट देता है। ये देखिए, ये सब फेफड़े, दोनों फेफड़ों को क्या देता है, सपोर्ट देता है। मैं आपको बता दूं डायफ्राम नीचे होता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली भी पाई जाती है जो फेफड़ों को कवर करती है, उस झिल्ली का नाम होता है, उस सुरक्षात्मक झिल्ली का नाम होता है, हाँ सुरक्षा देती है, नाम होता है प्लूरा। उसका नाम क्या है, प्लूरा, इस बात को याद रखिए। दोनों फेफड़ों का साइज बराबर नहीं होता दोस्त। ये जो राइट वाला फेफड़ा है ना, ये साइज में बड़ा होता है। अगर कोई पूछे कि दोनों फेफड़ों का साइज बराबर होता है क्या, तो कह देना नहीं सर, राइट वाला फेफड़ा बड़ा होता है जबकि लेफ्ट वाला फेफड़ा छोटा होता है। ये सब नोट डाउन कर लेना सर लोग कॉपी में। ओके, अब इतनी बातें सबको समझ में आ रही। बाकी फेफड़ों का मेन काम क्या होता है कि ब्लड में से CO2 को निकालना और ब्लड को ऑक्सीजन देना। यानी ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंजमेंट करता है हमारा कौन, फेफड़ा। यही इसका मेन काम है। ठीक है, सवाल यह था कि सर राइट वाला फेफड़ा बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है, बाहरी झिल्ली का नाम होगा प्लूरा। अब इसमें पता क्वेश्चन कैसे आजकल पूछे जा रहे हैं,
इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब आप इनहेल करोगे यानी सांस अंदर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और जब आप एक्सहेल करोगे, एक्सहेल एक्सहेल का मतलब ये हुआ कि सांस को बाहर निकालोगे, तो बताइए क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब बड़े ध्यान से सुनना बच्चा। जब हम लोग इसमें इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल सांस अंदर लिया, तो सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़े भैया फूल जाते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं, तो फूल जाते हैं तो मेरे भाई फूलने के दौरान पता है क्या होता, फेफड़े फूल गए। तो यहां पर जो सपोर्ट लगा हुआ है ना फेफड़ों से हमारे डायफ्राम को, ये सपोर्ट की वजह से हमारे फेफड़े, देखिए देखो फेफड़े ऐसे फूल गए, तो ये पूरी चीज क्या होती है कि ये पूरी चीज, ये डायफ्राम ऐसे नीचे तो आता ही आता है, लेकिन नीचे आने के साथ साथ डायफ्राम देखो ऊपर से ऐसे फोर्स काम करेगा यहां से और यहां से, है ना। तो होता क्या है कि ये नीचे तो आता ही आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता ही आता है, लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा सा दोनों तरफ फोर्स वजने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पड़ने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा डायफ्राम मैंने बनाया ना डायफ्राम, ये नीचे तो आता ही आता है लेकिन हल्का सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हल्का सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो जब भी कभी इनहेल होता है तो डायफ्राम नीचे आता है, नीचे आने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं लकड़ी के किसी टुकड़े को दो सपोर्ट पे रख दूं और दो सपोर्ट पे रखने के बाद मैं उस पर फोर्स लगाऊं, तो फोर्स लगाने के बाद देखिए वो ऐसे इस तरह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इनहेल में क्या होता है, आपका ये फेफड़ा नीचे तो आता है लेकिन साथ साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यही प्रश्न देखो एग्जाम में आ रहा है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो अब इस बात को और अच्छे से याद करने के लिए मैंने आपके सामने इनहेल लिया है और एक्सहेल लिया। इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना, और एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, एक्सहेल का मतलब होता है सांस को छोड़ना। अरे लिख जा भाई, तो एक्सहेल का मतलब हो जाएगा सांस को छोड़ना। आ जा, ये देखिए हाँ, तो एक्सहेल का मतलब हो जाएगा सांस छोड़ना। अब इन दोनों में क्या क्या हमारा पॉइंट पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जामों में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं जल्दी से। तो इनहेल सांस अंदर लेना, तो बच्चा जब सांस अंदर ली जाती है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपके फेफड़े कैसे हो जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि फेफड़े पे क्या फर्क पड़ता है, है ना, तो सांस अंदर लेने पे जो आपके अंदर के फेफड़े ना ये फूल जाते हैं, फूल जाने का मतलब ये हुआ कि फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों का प्रेशर घट जाता है। आयतन बढ़ जाता है, अरे फूल है ना, और फेफड़ों का जो प्रेशर है वो घट जाता है। लेकिन अगर यही एक्सहेल की बात करेंगे, एक्सहेल का मतलब हो गया कि आपके बाहर निकालना, तो जब आप सांस छोड़ दोगे तो फेफड़े ऐसे पिचक जाएंगे, और पिचक जाने का मतलब आयतन तुम्हारा कम हो जाएगा जबकि प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ता है भैया तभी तो अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही ना। फिर इसके बाद सवाल आएगा स्टर्नम बोन का क्या होता है, स्टर्नम बोन का क्या होता है। तो याद रखना जब भी कभी आप इनहेल करते हो, क्या करते हो इनहेल, तो इनहेल में हमारे फेफड़े नीचे की ओर दबते हैं, फेफड़े कहां की ओर जाते हैं, नीचे। अगर कोई पूछे कि फेफड़े कहां की ओर मोशन करते हैं तो आपको बताना है डाउन, नीचे, जिसकी वजह से आपका जो स्टर्नम बोन रहता है, स्टर्नम बोन वो भी कहां की ओर मोशन करता है, तो कह देना वो डाउन साइज मोशन करता है, डाउन साइज, डाउन साइज। लेकिन अगर यही तुमसे एक्सहेल के बारे में पूछा जाता है, एक्सहेल, तो एक्सहेल में क्या हो रहा है, स्टर्नम बोन, जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो सांस बाहर छोड़ते समय स्टर्नम बोन आपकी अप साइड जाती है, ऊपर साइड जाती है। और तो पूछो ऊपर साइड क्यों गई, तो कह देना ऊपर साइड इसलिए गई सर क्योंकि आपका जो फेफड़ा है ना वो भी तुम्हारा अप साइड ही जाता है, फेफड़ा भी अप साइड जाता है। फिर आता है कि सर ठीक है इनहेल किया अंदर सांस लिया, अब मुझे बताइए जरा आपके डायफ्राम में क्या फर्क पड़ता है। तो जब आपका फेफड़ा नीचे साइड आया है तो पूछा जाए कि बताइए डायफ्राम में क्या फर्क पड़ेगा, तो कह देना दोस्त डायफ्राम भी नीचे आता है, कहां की ओर आता है, नीचे साइड, नीचे। लेकिन नीचे आने के बाद वो हमारा एक्सपेंड नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने को हिंदी में बोला जाता है सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होने को हिंदी में बोला जाता है बच्चा सिकुड़ता है, ये याद रखना।
सेम तरीके से अगर तुमसे पूछा जाता डायफ्राम लिख लीजिए ना, सेम तरीके से पूछा जाता कि एक्सहेल में क्या होगा, एक्सहेल में क्या होगा। अब बताइए अगर एक्सहेल हुआ यानी सांस बाहर निकाल दिया, तो सांस बाहर निकालने में क्या होता है कि आपका जो डायफ्राम है ना वो ऊपर की ओर जाता है, डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। अब अगर यहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो यहां पर फैल जाएगा। हालांकि फैल जाने को अभी जब पेपर पूछा गया था, फैल जाने को इन्होंने बोला था एक और नाम से रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट करना और फैल जाने को बोला था रिलैक्सेशन। देखो आज वो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, रिलैक्सेशन। बोलो दोस्त याद रहेगा ना, डायफ्राम का फर्क पड़ गया। अब आएगा कि बताइए आपका जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी के अंदर ही, या फिर आप रिब्स केज बोल दीजिए, तो जो आपका रिब्स केज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, रिब्स केज। तो आप मुझे ये कह सकते हो कि जब आप सांस अंदर लोगे तो फेफड़ा फूलेगा, तो रिब्स केज भी हमारा फूलेगा, फूलने का मतलब वो हमारा एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो पूछा जाए रिब्स केज कैसा हो जाएगा, तो कह देना फैल जाएगा, फैल जाएगा। और फैल जाने का मतलब है सीधा सीधा एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। बोलो इससे प्रश्न बनना है। और अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा एक्सहेल में बोला जाए, एक्सहेल का मतलब हो गया कि आपने सांस को बाहर छोड़ दिया, सांस को बाहर छोड़ दिया, तो बताइए अगर सांस को बाहर छोड़ दिया जाए तो रिब्स केज ऐसे अंदर की ओर मोशन करेगा, और अंदर की ओर मोशन करने का मतलब रिब्स केज सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ जाने का सीधा सा मतलब है कि रिब्स केज सर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो इतनी बातें आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बात अभी एक दो क्वेश्चन पूछे रहे हैं ना। बताइएगा जरूर वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। बहुत अच्छी बात है, बड़े आराम से आप समझिए, पूरा तो पूरा याद हो जाएगा। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, सांस अंदर लोगे तो फेफड़े फूलेंगे, तो फेफड़े नीचे साइड आएंगे, आपका स्टर्नम बोन नीचे साइड आएगी हल्की सी, डायफ्राम नीचे आएगा लेकिन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और रिब्स के फूल जाएंगे, फूल जाने मतलब एक्सपेंड हो जाएंगे। इसका जस्ट उल्टा है यहां पर। ओके चलो कुछ और सवाल देखिए, जैसे कि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन। मैं से एक चीज और मैं बता दूं, अगर तुमने इनहेल पढ़ रखा है और आपने पढ़ रखा है एक्सहेल, तो डैशो का विनिमय क्या होता है, डैशो का विनिमय यानी इनहेल में कितनी डैश अंदर लेते हो, तो कहना इनहेल में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है 21% और इनहेल में CO2 ली जाती है 0.04%। यानी इनहेल करते समय इतनी डैश अंदर लेते हो, लेकिन जब डैश बाहर छोड़ते हो तो लगभग 17% के आसपास ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाती है और लगभग 4% के आसपास CO2 बाहर छोड़ी जाती है, मतलब ऑक्सीजन कम हो रही CO2 बढ़ रही है ना। चलो तो सवाल लिखा हुआ है सांस लेने के दौरान, इनहेल के दौरान, देखो तुमने इनहेल किया हुआ है तो मैंने कहा सांस अगर अंदर ली है तो फेफड़े फूल जाएंगे, मतलब आयतन तुम्हारा बढ़ जाएगा, आयतन तुम्हारा बढ़ जाएगा। लेकिन अंदर आई है ना सांस, इसका मतलब कंफर्म प्रेशर घटा रहा होगा, तो इसका सही आंसर जाएगा कि आयतन बढ़ेगा और दाब घटेगा, ये तुम्हारा इनहेल के लिए सही उत्तर हो गया। ठीक है, और देखिए चलो ये हो गया उत्तर सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी आया था कि फेफड़ों के छोटे छोटे वायु प्रवाह को क्या बोला जाता है, याद करो सबसे लास्ट में फेफड़ों के सबसे छोटे छोटे वायु प्रवाह जो बने थे उनको बोला गया था एलोवेरी, एलोवेरी। ट्रेटिया तो सांस नली थी और ब्रोंकी तो पाइपलाइन थी और लैरिंजेक्स ये तो ट्रेटिया के जस्ट ऊपर पाया गया था, जिसे आप लोग साउंड बॉक्स के नाम से जानते हो, जिसे आप लोग साउंड बॉक्स के नाम से जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके कांजे वाला क्वेश्चन यार, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये आया था, ये क्वेश्चन अभी एक लड़के ने मुझे भेजा था कि ये इसी साल ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी क्या है, बोला जा रहा है ड्यूरिंग इनहेल प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी एक्शन इन डायफ्राम एंड रिब स्टेज, मतलब जब आप इनहेल करते हो तो बताइए आपका डायफ्राम और रिब स्टेज पर क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त तुमने ऐसे इनहेल किया तो डायफ्राम नीचे तो जाएगा, लेकिन ऐसे देखो ऐसे का पहले नीचे दिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डायफ्राम के बारे में बोला जाए कि डायफ्राम पे क्या फर्क पड़ेगा,
तो मेरे दोस्त डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर बोला जाए रिब स्टेज हो क्या होगा, तो जब सांस अंदर लोगे भाई तो रिब स्टेज फूल जाएगा, रिब स्टेज। वैसे रिब स्टेज जो होता है ना, खास तौर से हमारा फेफड़ों के बाहर वाला, वो मोस्टली हमारा होता है थोरेसिक रेंज में। थोरेसिक रेंज का मतलब है कि थोरेसिक हड्डी पाई जाएगी। रिब स्टेज जो फेफड़ों से ढका होता है, या फेफड़े जिस रिब स्टेज से ढके होते हैं, वो हमारा थोरेसिक बोन होती है, थोरेसिक, याद रखिएगा इस बात को। तो बताइए उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो टेना थोरेसिक बोन पर या थोरेसिक रेंज पर फर्क पड़ेगा कि जब आप सांस अंदर लोगे तो मेरे भाई रिब स्टेज फूल जाएगा। फूल जाने का मतलब हो गया एक्सपेंड हो जाएगा, फूल जाने का मतलब हुआ एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, तो सही आंसर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्सेशन। बच्चा रिलैक्सेशन को ही हम लोग एक्सपेंड होना बोलते हैं, इस बात को याद रखना, रिलैक्सेशन को एक्सपेंड होना बोलते हैं। ओके, तो मैंने बहुत कम शब्दों में, एकदम बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को ये बताया। खास तौर से ये हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत एकदम आसान शब्दों में बताया कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा श्वास नली काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ छोटा सा कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये सारी बातें पहले से पता थी या फिर आपने अभी सीखी। तो कितना परसेंट सीखा, मतलब पूरा आ गया कि नहीं आया, कि कुछ परसेंट बचा है। तो सेकेंड फेस्ट एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।